ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। एक मतलब नबी साहब सामने ख्वाब देखा कि जन्नत का एक महल है जो सोने का बना हुआ है और वो एक दरिया के किनारे पर बना हुआ है, यानी जैसे दुनिया में इंसान बीच के ऊपर घर बनाते हैं ना, बिल्कुल साहिल समुन्द्र के ऊपर, तो उस मकान की अपनी एक जो है वो शान होती है। तो जी बीच के ऊपर मकान है, तो उमर लानो का मकान देखा जो बिल्कुल दरिया के किनारे पर था, बल्कि मकान की कुछ सीढ़ियां पानी के अंदर तक गई हुई थी। तो नबी अलैहिस्सलाम साहब ने देखा कि एक औरत वहां बैठी वुजू कर रही है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते से पूछा कि ये महल किसका है, उन्होंने कहा कि ये उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का है। तो नबी अलैहिस्सलाम साहब जागे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख्वाब हजरत उमर लानो को सुनाया कि उमर, मैंने जन्नत में तुम्हारे महल को भी देखा, मेरा दिल चाहता था कि मैं महल में दाखिल होके अंदर की इमारत को भी देखूं, मगर मुझे तुम्हारी गैरत याद आ गई और मैं महल के अंदर दाखिल नहीं हुआ। तो उमर लानो रोने लग गए, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहते थे तो आप महल को जरूर देख लेते, मेरे लिए सआदत हो जाती।